अरवाहे उड़ाए ते अरवाहे राक्षसी सैया हम धाम चले। धाम धनी अक्षरातीत ने यह प्रकरण उतारा है कि हम इस नश्वर संसार में रहते हुए भी अपने निज धाम को देखें, अपने मूल स्वरूप को देखें और अपने प्राणेश्वर को देखें। 1748 में मार्फत सागर ग्रंथ अवतरित हुआ और उसके पश्चात कोई भी ग्रंथ अवतरित नहीं हुआ। इसके पश्चात श्री महामती जी गुम्बट जी में ध्यान अवस्थित हो जाते हैं सब सुंदर साध को शिखापन देने के लिए कि सुंदर साध के जीवन का लक्ष्य क्या है। हम स्वयं को देखें। एक ऐसी विचारधारा चल गई है हमारे समाज में जिसमें यह कहा जाता है कि चितवनी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वाणी पढ़ लो, वाणी मंथन कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। आप ये बताइए, शक्कर शक्कर कहने से क्या आपका मुख मीठा हो सकता है? जो वाणी में लिखा हुआ है केवल आप उसको पढ़ते जाइए, उसको कहते जाइए, तो क्या आपको उस सत्य की अनुभूति हो सकती है कि हमारा परम धाम कैसा है, हमारे राज्य कैसे हैं और हमारा निज स्वरूप कैसा है? इस भ्रांति को हटाने के लिए स्वयं श्री राज जिस तन में बैठे हैं महामती जी के, वो ध्यान करता है। उनको ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? संया हम धाम चले का अर्थ होता है परम धाम की आत्माओं, अब मेरी आत्मा परम धाम में विचरण कर रही है। जब धाम गमन की बात आती है तो आमतौर पर इसका अर्थ यह माना जाता है कि शरीर छूट गया। आप जितने सुंदर साथ हैं, आप प्रायः प्रतिदिन शरीर छोड़ते हैं। यदि मैं कहूं तो आपको हंसी आएगी कि सच है। यह जरूर है कि आपके जीव का स्थूल शरीर से पूर्ण वियोग नहीं होता, लेकिन जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तो क्या आप अपने शरीर को जानते कि आप कहाँ सो रहे हैं? मरे हुए और सोए हुए में कोई भेद नहीं होता। यही स्थिति समाधि की भी होती है। समाधि में केवल प्रीतम दिखता है, संसार नहीं दिखता। आजकल तो स्थिति ये हो गई है जो 10 मिनट के लिए आँख बंद करता है उससे पूछिए क्या कर रहे थे, कहता है कि ध्यान कर रहा था। 10 मिनट में ध्यान थोड़े होता है। ध्यान का अर्थ होता है ध्यानम निर्विषय मन। मन संसार के सभी विषयों से, प्रपंचों से रहित हो जाए और केवल आराध्य के तरफ लग जाए। इस तरह से कि अंतर की चेतना केवल आराध्य को देखे, अपने प्राणेश्वर को देखे, संसार को नहीं देखे। सुंदर साथ कहते हैं कि मैं चितवनी में तारतम का भी जप करने लगता हूँ, कुछ चौपाई भी पढ़ने लगता हूँ, तो इसको ध्यान नहीं कहिए। कहीं भी मन को लगाना धारणा है। देश बंधा है चित्त से नाम धारणा। धारणा का परिपक्व रूप ध्यान है। जब ध्यान की अवस्था आएगी तो आप तारतम का जप नहीं कर पाएंगे, राजसमा भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? लक्ष्य दिखेगा, आपको अपने शरीर का आभास नहीं रहेगा। ये तो धारणा के प्रथम चरण में आप तारतम का जप कर सकते हैं, राजसमाधि कर सकते हैं। जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दुनी करी मुर्दार, जो पहले मर जाएगा। मरने का तात्पर्य मैं और मेरे के बंधन से मुक्त हो जाना। संसार कहाँ बसता है? देखने के लिए जो बाह्य जगत दिखाई दे रहा है ये तो स्थूल संसार है। आप घर द्वार छोड़कर किसी वन में कुटिया बनाकर रहने लगे, गुफा में चले गए, लेकिन एक सूक्ष्म संसार है जो आपके चित्त में बसा हुआ है। जब तक उस सूक्ष्म संसार से अपने को अलग नहीं करेंगे तब तक आप स्वयं को नहीं जान सकते, स्वयं के प्रीतम को नहीं देख सकते। ध्यान की प्रक्रिया में यही किया जाता है। अपने चित्त की वृत्तियों को, मन को लगाया जाता है परम धाम की तरफ, नख से सिख तक राज्य की शोभा की तरफ। और राज्य यही करवाना चाहते हैं सब सुंदर सर से। जैसे कि मैंने कहा, समाज में कितनी बड़ी भ्रांति है। कुछ सुंदर साथ कहने लगते हैं
कि हम तो चलते फिरते ध्यान चित्त नहीं कर लेते हैं। ये बताइए, यदि चलते फिरते देवचंद जी चितवनी नहीं कर सके तो आप कैसे कर सकते हैं? देवचंद जी की चितवनी लग चुकी थी, अखंड ब्रज में उनकी सुरता पहुंच चुकी थी, और जैसे ही उन्हें घुघनी का प्रसाद खाने के भाव में हाथ नीचे किया, हाथ जमीन से टकराया, शरीर का आभास हुआ और सुरता टूट गई, चितवनी समाप्त। चलते फिरते जो राज्य के भाव में आप खोए रहते हैं उसको भावलीनता कहते हैं, वो चितवनी नहीं है। चितवनी का तात्पर्य है आपके आत्मचक्षु खुल जाए और आत्मचक्षुओं से आप साक्षात राज्य को देखो, नख से सिख तक उनकी शोभा को देखिए, अपनी परात्म को देखिए और अपने 25 पक्षों की शोभा को देखिए, उसको कहते हैं चितवनी। चितवनी चर्चनी के ज्ञान को दोहराने का नाम नहीं है, चितवनी सागर श्रृंगार की चौपाइयों को दोहराने का नाम नहीं है। चितवनी का तात्पर्य है आपका न शरीर से संबंध रहा, न संसार से संबंध रहा, न आपकी बुद्धि किसी ज्ञान के क्षेत्र में विचरण करने लगे, मन चित्त बुद्धि सभी शांत हो जाए और आपकी अंतर्दृष्टि साक्षात देखे। जैसे खुली आंखों से देखते हैं वैसे अंतर की आंखों से प्रीतम को देखना ही चितवनी है। लेकिन कहावत कहे जाते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे ही हम सुंदर साध्वी हैं। यदि हम जिन्होंने ध्यान का रसपान नहीं किया, चितवनी का रस नहीं पिया, वो तो यही कहेंगे केवल वाणी पढ़ते रहो मंथन करते रहो। वाणी पढ़ना बहुत जरूरी है, वाणी का चिंतन भी जरूरी है, चितवनी भी जरूरी है, दोनों आवश्यक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यदि वाणी का चिंतन छोड़ देंगे तो भटक जाएंगे, किंतु यदि वाणी की चितवनी यदि धनी की चितवनी छोड़ देंगे और केवल चिंतन को ही सब कुछ मानेंगे तो हमारा हृदय शुष्क ज्ञानी बन जाएगा, जो शब्दों के ज्ञान को तो जानेगा लेकिन शब्द के कहने वाले से मुंह फिरा लेगा, उसके प्रेम से वंचित हो जाएगा। कोई फूल कितना भी सुगंधित हो, जैसे सेमल का फूल, उसमें सुगंध नहीं है तो उसकी उपयोगिता क्या है? यदि ज्ञान वाणी का ज्ञान फूल का सौंदर्य है तो चितवनी उसकी सुगंध है। चितवनी और चिंतन को एक साथ ले चलेंगे तभी आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। 1748 तक वाणी अवतरित होती रहती है। मारिफत सागर वह ज्ञान है जिसमें अक्षरातीत के हृदय के सारे भेदों को सागर श्रृंगार में तो स्पष्ट किया गया है, लेकिन जो वास्तव में सत्य ज्ञान है, जो आज तक छिपा पड़ा था, मारिफत का ज्ञान क्या कहता है, वो मारिफत सागर में दर्शाया गया है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये केवल कतेव पक्ष का ज्ञान है, ये जरूर है, कतेव पक्ष का वह ज्ञान है जिस जो मोहम्मद साहब की जबान पर चढ़ नहीं सका और उसको संसार में व्यक्त नहीं कर सके। आखरूल इमाम मोहम्मद मैती साहिबुल जमा श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से उस ज्ञान को जाहिर होना था। कीर्तन के इस प्रकरण में यह बात हम सब सुंदर साथ को आत्मसात कराई गई है कि यदि हम यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखना चाहते हैं, धाम कितने हैं आपको मैं बता देता हूं। ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन कलो। कतेब का कथन है, कलूब ए मोमिन अर्श ए मनस्थ। ब्रह्मात्मा का हृदय ही धाम है, इसको सूक्ष्म तरीके से समझिए। राज्य का हृदय ही तो व्यक्त रूप में परम धाम के रूप में दृष्टगोचर हो रहा है। हृदय का जो रस है आनंद रस, सामाजिक के रूप में दृष्टगोचर हो रहा है, हमारे परात्म के रूप में दृष्टगोचर हो रहा है, और उस जो परात्म का प्रतिबिंब है वो हमारी आत्मा के रूप में दृष्टगोचर हो रहा है। तो जैसे परात्म के हृदय में सारा परम धाम बसता है, राज्य सामाजिक बसते हैं, उसी तरह से हमारी आत्मा के भी धाम हृदय में पूरा परम धाम बसता है, युगल स्वरूप बसते हैं, हौज कोसर बसता है, मानिक पहाड़ बसता है, और हम में बसते हैं। हम में बसने का तात्पर्य समझते हैं, हम कौन है, परात्म, और जो धनी का स्वरूप है वो भी तो हम ही हैं। जो वो है वो हम हैं, और जो हम हैं वो है। लेकिन ये मार्फत के दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से न समझिए। धनी ने क्या कहा है,
वाणी एक ही सत्य को दर्शाती है, हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। हम राज्य में हैं, राज्य हमारे अंदर है, इसका अर्थ क्या होता है? एक कुएं से, कुआं तो छोटा होता है, सागर के किनारे आप खड़े हो जाइए, एक बाल्टी लेते जाइए, सागर के जल में से एक बाल्टी पानी निकालिए, दोनों के जल को देखिए, दोनों का जल एक है। जो जल सागर में है वही जल बाल्टी में भी है। लीला रूप में वह जल दिखाई दे रहा है कि यह बाल्टी का जल है और ये सागर का जल है, लेकिन जब उस जल को आप घर लाएंगे तो क्या कहेंगे? मैं सागर का जल लाया हूं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैं कुएं का जल लाया हूं, सागर तो सागर ही रहेगा। दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा पाए तत्का, जो खिलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बात पका। यही बात समझाने के लिए खेल बना, और इसकी अनुभूति करनी है तो हमें चितवनी में डूबना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारा 40 लाख का सुंदर साथ, मुझे नहीं लगता कि 1 लाख भी सुंदर साथ चितवनी करता होगा। यदि 1 लाख करता भी होगा तो 60,000 को चितवनी का मार्ग नहीं मालूम होगा, और शेष 39 लाख सुंदर साथ केवल कर्मकांड की दीवारों से अपना सिर टकराकर लहूलुहान हो रहा है। उसको बस इतना आता है कि महामंत्र का जप कर लो, चरणामृत प्रसाद ले लो, परिक्रमा कर लो, कृतार्थ हो गए। ऐसा नहीं है। संया हम धाम चले, श्री जी को चितवनी करने की क्या आवश्यकता थी? उनके अंदर तो स्वयं अक्षरातीत बैठे हैं, उस आत्मा को अक्षरातीत की शोभा दे रखे हैं। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हुआ। जो मूल मिलावे में नूरी स्वरूप है, वही स्वरूप तो आवेश स्वरूप में महामति जी के धाम हृदय में बैठा है, और दूसरों को दिखाने के लिए चितवनी कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि कल को कोई ये न कहे कि चितवनी करने की क्या आवश्यकता है, हम तो पूर्ण हो गए। मनुष्य की बहुत बड़ी भ्रांति होती है, और उस भ्रांति के शिकार सुंदर साथ भी होते हैं। एक बार योगेश्वर श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि प्रभु, आप तो बैकुंठ के स्वामी हैं, आपको क्या हो सकता है कि आप प्रातः भी संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, हवन करते हैं, शाम को भी संध्या करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, यदि मैं नहीं करूँगा तो सारे संसार में ये भ्रांति फैल जाएगी, कृष्ण जी नहीं करते तो हम न करें तो क्या अंतर होगा। उन्होंने अनिवार्य कर दिया कि मैं भी करूँगा, सारे संसार को भी करना पड़ेगा। श्री जी ने इसलिए किया, श्री जी तो स्वयं राज्य हैं, राज्य को चितवनी करने की क्या आवश्यकता? क्या प्रियतम स्वयं अपनी चितवनी करेगा? लेकिन नहीं, समय सुंदर साथ को उस राह पर ले जाना है कि भले ही इस तन को अक्षरातीत कहलाने की शोभा मिली, इस तन को भी चितवनी करना पड़ेगा। चितवनी तो प्रातः और सायं दोनों समय करवाई जाती है, लेकिन जब उस समय करवाई जाती है तो महामती जी का श्रृंगार राज्य का किया जाता है। आप जो आरती गाते हैं, कंचन थाल चहुमुख दिवला, ये बंगला जी दरबार में होने वाली आरती है, जिसमें सब सुंदर साथ उनको राज्य का स्वरूप मान करके चितवनी करता है। लेकिन आप इस आरती का अंतिम चरण देखिए, क्या कहते हैं? महामति चरण रोला, सब सुंदर साथ महामति जी के धाम हृदय में बैठे अक्षरातीत को अपना मान तो रहा है, लेकिन महामति जी के उस कलेवर को भी मान रहा है जो महाराज के जीव का तन है, और उन्हीं को अक्षरातीत मानकर अपना सर्वस्व निछावर कर रहा है। लेकिन अंदर बैठी हुई इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि नहीं, सुंदर साथ भले ही मुझको राज्य का स्वरूप मान रहा है, जिसको राज्य मान रहा है वो राज्य तो मेरे भी आत्मा की प्रीतम है। इसलिए कहते हैं महामति चरणों लाग, आरती तो उतारी जा रही है महामति जी के अंदर बैठे हुए स्वरूप के। उसी तरह से यदि हम भी वहदत के उस स्तर पर स्वयं को ले जाएं और देखें कि जो महामति इंद्रावती जी का परात्मा है, हमारी भी आत्मा का परात्मा है।
और हमारी आत्मा भी उस स्तर तक पहुंच सकती है यदि हम स्वयं को महामती जी की तरह समर्पण की भाषा में ला दें। यदि हम समर्पण सीख गए, प्रेम सीख गए, विरह सीख गए, ये सीखना नहीं पड़ता, इसके के लिए नाटक करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा जीव निर्मलता की कितनी कसौटियों पर स्वयं को खरा सिद्ध कर सकता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए पहले क्या कहा, जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीव ते उड़ पहुंचे नूर के पार। जो संसार से मर जाएगा वही तो नूर के पार चलेगा, जो संसार में भटक रहा है वो नूर के पार अक्षर के परे कैसे जाकर के प्रीतम का साक्षात करेगा। प्रेम के आवेश में जिसने शरीर को भुला दिया, संसार को भुला दिया, वही तो सुरता से 25 पक्षों में भ्रमण करेगा। हर सुंदर साथ का यह नैतिक कर्तव्य है चित्वनी। इसलिए स्वयं श्री महामती जी जिनको अक्षरातीत ने अपना स्वरूप दे दिया, उनके धाम हृदय में पांचों शक्तियों के साथ विराजमान होकर लीला कर रहे हैं या लीला करवाई, ताकि आने वाला सुंदर साथ किसी तरह का बहाना न बनाए। आप सोचिए, आप अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका ऐसा देश है जहां प्रातः भी, दोपहर भी, सायंग भी एक सामान्य अमेरिकन मांसाहार करता है, शराब पीता है, लेकिन आप किसी भी कार्यालय में जाइए, एक मोहल्ले में जाइए, वहां के लोग ध्यान की तरफ मुड़ रहे हैं, कार्यालयों तक में ध्यान कक्ष है। और हमारे समाज तो क्या, पूरे हिंदू समाज के बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, करोड़ों के आश्रम हैं, कहीं भी ध्यान कक्ष नहीं होता, कोई ध्यान नहीं करता। सब कहते हैं कि साक्षात परमात्मा बैठे हैं, ध्यान करने की क्या हो सकता। हम सुंदर साथ भी कहते हैं कि वाणी साक्षात राज्य का स्वरूप है, पढ़ लिया सब कुछ हो गया, बात तो ठीक है, लेकिन जिस तन से वाणी अवतरित हुई उस तन को ध्यान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ताकि सुंदर साथ को ये सीख मिले, चाहे आपने कितना भी ज्ञानार्जन कर लिया हो, चाहे आपने कितनी भी सेवा कर ली हो, चाहे आपने सारे ब्रह्मांड को अपने अलौकिक ज्ञान से परब्रह्म की पहचान करा दी हो, आपको तो ध्यान करना ही पड़ेगा, चितवनी में डूबना ही पड़ेगा, तभी अंतर्मुखी आप हो पाएंगे, शरीर से संसार से परे हो पाएंगे और अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को साक्षात देख पाएंगे। यदि श्री जी चाहते तो पलक झपकते सुंदर साथ को परम धाम के दर्शन करा सकते थे। आज भी सुंदर साथ ऐसे ही सोचते हैं कि जैसे परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी ने सरकार श्री को दर्शन करा दिया, सब सुंदर साथ को हो जाए, लेकिन आप सोचिए अनर्थ कितना हो जाएगा। श्री जी जब चर्चा कर रहे हैं तो सबको दर्शन हो रहे हैं, फिर भी सबको चितवनी में बैठना अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आने वाली सारी पीढ़ियां भटक जाएंगी। और जानते हैं किसी परिवार का लड़का कब बिगड़ता है, जब उसको यह पता नहीं होता कि उसके पिता ने कितने परिश्रम से धन कमाया है। मैंने कई बार यह दृष्टांत दिया है, मदन मोहन मालवीय एक सेठ के पास गए और अपने विश्वविद्यालय के लिए सेवा मांगी, इतने में सेठ का लड़का छोटा बच्चा था, इकलौता वहां आ गया और माचिस की तिलियों को जला जला कर फेंकने लगा। सेठ ने कस करके एक चांटा मार दिया, लड़का रोता हुआ घर में चला गया। मदन मोहन मालवीय ने उठकर जाने लगे, सेठ ने पूछा कि सेठ पंडित जी आप नाराज होकर क्यों जाने लगे। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि आपका एक लौता बेटा है, करोड़ों पति है, एक माचिस की तिल्ली नुकसान कर दिया तो आपने चांटा मार दिया, मैं आपका धन नहीं ले सकता। सेठ ने कहा कि पंडित जी बात ये नहीं है, मेरा उत्तराधिकारी तो यही है, मेरी सारी संपत्ति इसी को मिलनी है, मैंने तो इस चांटा मारकर इसको आश्वस्त कराया है कि इसको पता चले एक माचिस की तिल्ली की कीमत क्या होती है। यदि आज एक माचिस की तिल्ली की कीमत नहीं समझेगा तो इस करोड़ों की संपदा को ऐसे ही बर्बाद कर देगा। आप सोचिए,
श्री देवचंद जी को प्रीतम का दीदार करने के लिए 40 वर्ष की अवस्था तक कितना परिश्रम करना पड़ा। श्री मेराज को हफ्से में आ विशु की अंग में श्वास बिछड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो। यदि उस समय श्री जी चुटकी बजाते इच्छा मात्र से, वो तो स्वयं अक्षराते थे, चाहते कि आज सबको दर्शन हो जाए, हो जाता। जैसे जब लील भाई के देह त्याग का समय हुआ, राज जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। लील भाई ने आंचल पकड़ कहा कि राज जी, आप मुझको अकेले दर्शन दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, सबको दर्शन दे दीजिए। राज जी को वचन पूरा करना पड़ा। पल भर के लिए सबने साक्षात इन आंखों से राज जी को देखा, लेकिन क्या किसी की आत्मा जागृत हो गई? बिना परिश्रम के उन्होंने पा लिया। उनको एक झलक दिखाई गई कि आपको इस मंजिल पर पहुंचना है। राज जी अपने ही बनाए हुए विधान को पूरी तरह तोड़ नहीं सकते, कुछ छूट दे सकते हैं। यदि चुटकी बजाकर यानी एक पलक झपकते श्री जी ने सबको दर्शन करा दिया होता, तो आज का सुंदर साध्वी उसी राह पर चल पड़ता कि कोई श्री जी का स्वरूप आए और हमें चुटकी बजाकर दर्शन करा दे, परिश्रम नहीं करता। जबकि उस समय सब सुंदर साथ को अष्टपहर 64 घड़े सेवा में, चर्चा में, चितवनी में लगे रहना पड़ता था। आप देखते हैं, आप तो 10 बजे सोने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। अष्टपहर की लीला को देखिए, 12 बजे रात्रि तक तो चर्चा अनिवार्य रूप से होती है, कभी एक भी बज जाते हैं, कभी दो भी बज जाते हैं। श्री जी 2 बजे सहन कर रहे हैं और लेटे लेटे सबकी चर्चा की अर्चा सुन रहे हैं। 12 बजे के पश्चात सब सुंदर साथ सुनी हुई चर्चा को दोहराते हैं। सबसे पहले कौन उठता है? बीतक में चौपाई आती है, सबसे पहले उठी आम। जीव सृष्टि सोचती है कब ये चर्चा का फंदा हटे और हम आराम से निद्रा देवी की गोद में जाएं, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों को निद्रा नहीं है। आप जानते हैं, मंदिर में जब पौराणी होती है तो क्या गाया जाता है? आशिक होना फिर सोना क्या। बेचारे गाने वाले गाते जाते हैं, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या। और यदि पौराणी में देर हो गई तो आग बबूला हो जाए कि जल्दी से मुझे सोना है। तो इस तरह की पूजा पद्धति से क्या फायदा, जब मुंह से कह रहे हैं कि आशिक होना फिर सोना क्या, और सोने के लिए तड़प इतनी है कि जल्दी जल्दी निपटाते जा रहे हैं। तो याद रखिए, राज्य कहाँ से आएंगे? वे सुंदर साथ हैं, मुरलीधर सवेरे सवेरे स्वरूप पढ़ते हैं और श्री जी सुनते रहते हैं, और चर्चा की अर्चा के पश्चात फिर सुंदर साथ परमधाम की चर्चनी दोहराते हैं। ऐसा करते करते 10 वर्ष व्यतीत होते जाते हैं, और इस कठोर साधना के पश्चात तब हर एक सुंदर साथ ने यहीं बैठे बैठे परमधाम को देखा। अब जो अष्टपहर की लीला में हुआ उसका 10वां अंश भी करने के लिए क्या हम तैयार हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। हमको जबरन बुलाया जाता है, जबरन चर्चा सुनाई जाती है, जबरन 1-2 घंटे चितवनी कराई जाती है। और तो और छोड़िए, यहाँ चितवनी शिविर यदि लगा दिया जाए तो कितने आते हैं? 200 की भी संख्या पूरी नहीं होती, और वो 5000 की संख्या है। साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत का आवेश जिस तन में विराजमान है, उसका निर्देश है कि चितवनी में सबको बैठना पड़ेगा, और चारों तरफ सुंदर साथ शोभा के लिए हथियार लेकर खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को मारना है, एक शोभा है। सवेरे भी चितवनी हो रही है, रात को शाम को भी चितवनी हो रही है, दोनों समय चर्चा, दोनों समय चितवनी। तब सुंदर साथ की सुरता परमधाम में विचरण करती है। करना तो उनको ही है, जब चर्चा करते हैं तब भी सुंदर साथ को दर्शन होते हैं, लेकिन चितवनी की मर्यादा इसलिए बनाई गई कि सबको करनी है, नहीं तो आने वाला सुंदर साथ भटक जाएगा। सारे ज्ञान का सार क्या है? यदि मैं पूछूं, एक भ्रांति फैल गई है कि जब सूर्य उगता है तो छाया समाप्त हो जाती है, उसी तरह से राज जी सामने आएंगे तो हमारा जीव भला उनके तेज को कैसे सहन कर सकेगा। यही कहकर सबको डरा दिया जाता है कि यदि आप चितवनी करोगे, राज जी सामने आएंगे तो आप मर जाओगे, इसलिए सुंदर सा डर के मारे चितवनी नहीं करते।
आप सोचिए, जिस अक्षरातीत के बारे में कहा जाता है कि तमेव विदित्वात् मृत्युमेत, उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई मार्ग नहीं है। मृत्यु से छुड़ाने वाला सामने आएगा तो मृत्यु चली जाएगी या मृत्यु आ जाएगी। क्या वो यमराज है? राज्य को आप यमराज समझते हैं कि वो सामने आ जाएंगे तो आप मर जाएंगे, और सामने आने पर मर भी गए तो इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, राज्य आ जाएंगे, उस दिन आपकी मृत्यु भी होगी तो मृत्यु टल जाएगी। आप विश्वास रखिए, आज दिन तक चितवनी करते समय न किसी की मृत्यु हुई है और न कभी हो सकेगी। इसी प्रकरण को हमें हृदयंगम करना होगा कि सैया हम धाम चले। इसके पहले के प्रकरण की अंतिम चौपाई में कहा है कि एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा, श्री महामत कहे पीछा न देखिए, संसार की तरफ मत देखिए, कौन क्या कह रहा है, संसार आपको अच्छा कह रहा है बुरा कह रहा है ये आपका विषय नहीं है, ना किसी की परवाह। संसार आपको परमहंस कहता है या महापापी कहता है ये विषय आपका नहीं है। आपकी आत्मा संसार की सारी उपाधियों से परे है, क्योंकि आप परब्रह्म की प्रियात्मा हो, ब्रह्मात्मा हो, अर्धांगिनी हो, प्राणेश्वरी हो। और जैसे सोने न लगत स्याही, सोने के ऊपर कालिक नहीं पोती जा सकती, आपकी आत्मा के ऊपर विकार नहीं चढ़ सकता। संसार से अपेक्षा क्यों करते हैं कि संसार आपको अच्छा कहेगा? आपका प्रीतम आपको अच्छा कहे, बस इसकी चिंता कीजिए। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या मैंने सचमुच पाप किया है? यदि पाप नहीं किए हैं तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। संसार तो निरंकुश है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा पर प्रश्न खड़ा करता है। ये आशा करना कि संसार के सभी लोग आपको अच्छा कह देंगे किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। सूर्य पश्चिम में उग सकता है लेकिन संसार के सभी लोग कभी भी आपको अच्छा नहीं कह सकते, भले ही आप अक्षरातीत के स्वरूप क्यों न बन जाए। श्री जी जहाँ जाते हैं कोई कहता है कि ठग है, कोई कहता है कि कुछ है, स्वयं अक्षरातीत को ये दुनिया वाले ठग कहते हैं, तो आपको परमहंस कैसे कह देंगे? यही बात सबको ध्यान में रखनी है। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवा, अपनी आत्मा को प्रीतम के प्रेम में डुबो दीजिए। मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी। खिलवत के प्रारंभिक प्रकरणों में, कल खिलवत का नंबर आएगा, खिलवत के प्रारंभिक चार प्रकरणों में मैं खुद ही छोड़ने का प्रसंग है। मैं किसी की चीज की हो सकती है, शरीर की मैं, संसार की मैं, अपने रूप की मैं, विद्या की मैं, सेवा की मैं, धन की मैं, ये सारी मैं ही माया है। मैं कुछ नहीं हूं, केवल तू है। यदि आप राज्य के लिए भाव रखेंगे केवल तू है, तो राज्य भी आपके लिए भाव रखेंगे केवल तू है। यह सोचिए, तू कौन पुकारेगा जो आशिक होगा? परम धाम में यही तो हो रहे, परम धाम में सभी अपने से दूसरे को अनंत गुना प्रेम करते हैं। राज्य अपने से ज्यादा अनंत गुना सखियों से प्रेम करते हैं, श्यामा जी से करते हैं, और श्यामा जी और सखियां अपने से अनंत गुना राज्य से प्रेम करती हैं, क्योंकि दो है ही नहीं, सभी एक अद्वैत वहदत के स्वरूप हैं। आप स्वयं को उन भावों में भावित करेंगे यदि, तो आप अपने को सबसे अलग पाएंगे। एक भय की जो दीवार पड़ी हुई है, एक आत्मविश्वास की जो कमी है कि क्या हमको परम धाम दिख पाएगा। जानते हैं नेपोलियन ने क्या कहा था? असंभव शब्द किसके शब्दकोश में होता है मैं नहीं कहूंगा, आप जान सकते हैं। नेपोलियन के उस कथन को याद रखिए और सोचिए कि आप मनुष्य नहीं है, आपने अपनी अंतरात्मा का प्रेम अक्षरातीत को समर्पित कर दिया है, और आपका हृदय बोल रहा है मैं तो तुम्हारी कील। आपके समर्पण को यदि राज्य ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार तो करते ही हैं, हम ही समर्पित नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारे हृदय का प्रेम राज्य के लिए कम होकर किसी और के लिए ज्यादा होता है, इकड़वा सच है। चाहे हम मित्र से करें, भाई से करें, पति से करें, पत्नी से करें, बच्चों से करें,
जिस दिन हम पहला प्रेम राज्य के लिए रखेंगे, आपकी आंखें बंद होते ही आपका प्रीतम आपको अवश्य दीदार देगा। हर दिन चितवनी में उठने से पहले एक झलक अवश्य दिखाएगा, क्योंकि वो भी नहीं रह पाएगा। लेकिन हम यदि धोखा देने की आदत से गए हैं, हम व्यवसाय करते हैं, माल खरीदा रहेगा 60 रुपये का, कहेंगे कि आपके लिए 80 रुपये में दे रहा हूँ, खरीदा तो मैंने 90 रुपये का है। वैसे ही हम सबसे कहते हैं कि नहीं, राज्य के बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन धोखा देते हैं। राज्य से हम प्रेम कम करते हैं, किसी और से ज़्यादा करते हैं। आप राज्य से अटूट प्रेम कीजिए, उस प्रेम को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन चितवनी में बैठे, जैसे जैसे आपके मन से संसार निकलता जाएगा, वैसे वैसे आपके हृदय में प्रीतम की शोभा बसती जाएगी। जिस दिन पूर्ण शोभा बस जाए, समझिए आप भी धाम चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मर जाएंगे, शरीर से परे हो गए, संसार से परे हो गए तो आप मर ही गए। पहले आप मुर्दे हुए तिंदुनी करी मुर्दार, वाणी तो कहती है, श्री महामत कहे ए मोमिनो, सुनो मेरी वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियाँ, आओ मैं मारे किला, मैं को मारिए। आपने जो शरीर पकड़ा है, संसार पकड़ा है, इसको समाप्त करने के लिए तो आप चितवनी करते हैं। चितवनी में करना क्या होता है? इस तरह से बैठिए, शरीर हिल डुले नहीं। जब शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाएगा तो आप शरीर को भूल जाएंगे, शरीर याद नहीं, लेकिन आपके मन में एक सूक्ष्म संसार बसता है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण तरह तरह के विचार आपके अंदर दौड़ने लगेंगे, उन विचारों के पीछे आपका मन भागने लगेगा। धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा, वो भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि विरह की अग्नि में जन्मांतरों के सारे पाप दग्ध हो जाएंगे, कलुषित वासनाएं दग्ध हो जाएंगी। एक ऐसी घड़ी आ जाएगी जब आपका हृदय स्फटिक मणि की तरह उज्जवल हो जाएगा, जिसमें काम नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, लोभ मोह अहंकार नहीं रहेगा, केवल प्रेम का स्रोत बह रहा होगा। और उस प्रेम के बहते स्रोत में आपकी आत्मा विचरण करने लगेगी, उसी क्षण प्रीतम की झलक आ जाएगी। और जितनी परिपक्वता आपके अंदर होगी, विरह की, प्रेम की, समर्पण की, श्रद्धा की, उतनी ही देर तक आपका प्रीतम मुस्कुराते हुए दर्शन देता रहेगा। आपका हृदय भी धाम है, महामती का हृदय भी धाम है, परम धाम तो आपका धाम है ही। इसलिए जब धाम चलने की बात होती है, किसी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, उनका धाम गमन हो गया। तो धाम गमन शब्द से यही आशय लिया जाता है कि शरीर छोड़ दिए। और ये धाम चलने के जितने प्रकरण उतरे हैं, सुंदर साथ में धारणा कर गई है कि श्री जी के अंतर्धान की तिथि पर इसका गायन किया जाता है कि प्राणनाथ जी हम सबको छोड़कर परम धाम चले गए। एक बात बताइए, वाणी तो कहते हैं, पौड़े भेले जागसी भेले, खेल दिख्या सबो एक, वाता करसी जुदी जुदी विधविध की विषय। यदि प्राणनाथ जी चले गए परम धाम, क्योंकि मारिफत सागर में जो बड़ा मसौदा लिखा है उसका बाह्य अर्थ लिया जाए तो अच्छे अच्छे विद्वान भटक जाते हैं, और वो मानते हैं कि प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टियों को लेकर चले गए। क्यामतनामा को भी पढ़कर भटकाव बन जाता है, क्योंकि उसका सूक्ष्म अर्थ समझ में नहीं आता। मोहम्मद ले चले उम्मत खास, पहुँचे जहाँ साहिब को पिलास, पीछे रहे जो दुनिया दाना घास, सो सब दुनिया की पैदाश। यानी सारी ब्रह्म सृष्टियों को लेकर चले गए और जीव सृष्टि बाकी है। तो ये बताइए, जब प्राणनाथ जी चले गए तो छत्रसाल जी को अकेले क्यों छोड़ गए? छठे दिन की लीला तो अभी हुई नहीं। जब मुसाफ गिरो हादी चली, पीछे दुनी रहे क्यों कर, ये खेल किया जिन वास्ते, सो जागे अपनी सरहद पर। जब तक ये संसार दिख रहा है, जब तक उमर जी है, तब तक समझिए अभी राज्य हैं, अभी जब तक खेल चल रहा है ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, और उन्हीं को जगाने के लिए जागने की लीला चल रही है। लेकिन आपको तो मरना होगा, शरीर से मरना होगा, मन से मरना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप जहर खा लीजिए और कह दीजिए कि शाम को कहा गया था कि जो मर जाएगा उसको राज्य मिलेंगे, तो मैं जहर खाकर एक ही दिन में मर जाऊँ और राज्य को पा लूँ, ऐसा नहीं है। मन की तृष्णाओं को मार दीजिए। शरीर में आपका जीव है,
आपकी आत्मा जी के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है, शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हो जाइए, संसार के कार्यों को करते हुए भी संसार से परे हो जाइए, तो परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कीजिए। इसी को दर्शाने के लिए महामती जी की आत्मा बोल रही है, संयाहम धाम चले। परम धाम की आत्माओं, अब मेरी आत्मा परम धाम में विचरण कर रही है। क्या पहले विचरण नहीं करती थी? परम धाम का ज्ञान जिस तन से अवतरित हुआ है, संपूर्ण परिक्रमा ग्रंथ अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत से लेकर आखिरी प्रकरण तक का सारा ज्ञान जिस तन से उतरा है, उसको चितवनी करके परम धाम देखने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन हमारे लिए, हमें सीख देने के लिए धाम धनी ने ये लीला की, ताकि हम छठे दिन की लीला में आलस की ऐसी चादर न ओढ़ लें कि क्या होगा, परम धाम से आए हैं तो राज्य ले जाएंगे, चितवनी में परेशान होने की क्या जरूरत। आपको ये नहीं पता चितवनी में कौन सी संपदा आपको मिलने वाली है। कोट राज बैकुंठ के न आवे इतके खेल समान। आप सोचिए, चितवनी में ऐसी घड़ी आ जाए जब आप संसार से परे हो गए हों, विरह प्रेम के आंसुओं में आप डूब गए हों, और राज्य का मुस्कुराता व मुखारविंद दिख जाए, उस समय के सुख की तुलना यदि करोड़ों बैकुंठ के राज्य से करेंगे तो क्या उसकी तुलना की जा सकती है? यदि सुंदर सात केवल इस चौपाई को अंगीकार कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि चितवनी का महत्व क्या है। चितवनी की आज बात हो रही है तो कई सुंदर सात सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सेवा भी नहीं करनी है, हमें ये भी नहीं करना है। सबका अलग अलग महत्व है। जैसे मैं हूं, मेरा पैर काट दीजिए तो क्या होगा, मैं लंगड़ा कहलाऊंगा। हाथ काट दीजिए तो लूला कहलाऊंगा। गर्दन काट दीजिए तो जमीन में दफनाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बस ये बात है। कंठ सा मुख सिंगार नासका सिंधी। कंठ क्या है? सागर, हृदय परिक्रमा। सागर और सिंगार हमारे जीवन का आधार है। लूला व्यक्ति जी सकता है, लंगड़ा भी जी सकता है, लेकिन गर्दन काट दिया जाए तो जीवित रहने का अधिकार नहीं रख सकता। इसलिए चितवनी सर्वोपरि है, लेकिन महत्व सबका है। एक उंगली भी कट जाती है तो वो व्यक्ति कुरूप हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में सेवा का भी महत्व है। शारीरिक सेवा का अलग महत्व है, बौद्धिक सेवा का अलग महत्व है, आध्यात्मिक सेवा जो चितवनी है उसका अलग, वो सर्वोपरि है। लेकिन अब सब लोग कहेंगे कि हमें कोई सेवा नहीं करनी है, तो बताइए ये कार्यक्रम कैसे आयोजित होगा? सब भूखे भजन न हो गोपाला, वही बात हो जाएगी। भूखे रहकर तो न चर्चा करने वाला चर्चा कर पाएगा, न आप सुन पाएंगे। इसलिए सबका महत्व मानते हुए सबको यथोचित अधिकार दीजिए। तन की सेवा भी, मन की सेवा भी, सब है। ज्ञान का अपना महत्व है, लेकिन चितवनी सर्वोपरि है। जैसे शरीर में गले का महत्व होता है, मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ चितवनी के इस महत्व को समझ जाएंगे और इस चौपाई का ये अर्थ नहीं निकालेंगे। उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम न छूटे मासुक को जाके असल हक निस्बत का अर्थ क्या कर दिया जाता है? हम तो उठते बैठते सोते जागते राज्य में विचरण करते हैं, इसलिए हमें बैठकर चितवनी करने की आवश्यकता नहीं है। इस चौपाई का आशय क्या है? हमारे हृदय में प्रीतम की छवि ऐसी बस जाए कि हम उठे बैठे भी, सोए भी तो केवल राज्य का भाव आए, सोने जाएं तो राज्य के भावों में सोए। अब देखिए रसखान को देखिए, वह व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में इतना पागल है, तीन तीन दिन भूखा रह जाता है। रसखान को कोई सुध ही नहीं है कि मैं तीन दिन से भूखा भी हूं। देखता है कृष्ण की मूर्ति है, सोचता है कि मैं तो जूता पहना हूं, क्योंकि पठानों को जूता पहनने का बहुत शौक होता है। हमारे कन्हा ने तो जूता पहना नहीं, जूता लेकर के मंदिर में घुस जाता है। पुजारी धक्का देता है कि पठान तू मंदिर में कैसे घुस गया? कहता है कि मेरे कन्हा को जूता पहना दो, उसको कष्ट हो रहा होगा। धक्का देकर निकाल दिया जाता है, वो पड़ा रहता है। कोई चिंता नहीं, शरीर की सुध नहीं,
कभी पलक झपकती है तो कृष्ण के भाव में, नींद खुलती है कृष्ण के भाव में, चलते फिरते कृष्ण के भाव में, यह भावलीन योग, भावलीनता। लेकिन यह सर्वोपरि नहीं है। प्रीतम को पाने के लिए आपको बैठकर चितवनी करनी ही पड़ेगी। हाँ, जिसमें भावलीनता का गुण आ जाएगा वो कोमल बन जाएगा, वो पीठ पीछे किसी की निंदा में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाएगा। हम सुंदर साथ क्या करते हैं, बैठे बातें करे बका अर्ज की तित भीष्ट भाई बैठक, दुनी बातें करे दुनी की आखिर तित दोजक। आप किसी की प्रशंसा कीजिए तो 10 में 9 को हो सकता है अच्छी ना लगे, किसी की निंदा कीजिए तो 10 में 9 हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि ये निंदा रस इतना मीठा होता है, निंदा करने वाला दूसरों को छोटा बनाकर बहुत खुश होता है, देखिए मेरे जैसा कोई नहीं, वो व्यक्ति बहुत खराब है। और जानते हैं यह निंदा रस इतना घातक होता है कि इस रोग जिसको लग जाता है वो व्यक्ति कभी इससे उभर नहीं हो पाता, वो प्रतिदिन नकारात्मक होता जाता है, अपने अंदर विकारों का ऐसा समावेश कर लेता है कि वो धनी के प्रेम को खो बैठता है। और जिसने धनी का प्रेम खो दिया, सकारात्मक भावों से आगे बढ़ना बंद कर दिया, उससे बड़ा मंदभाग इस सृष्टि में कोई नहीं होता। आप यदि निंदा रस में डूबते हैं तो आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे बचने के लिए राज्य ने कहा है, उठते बैठते सुपन सो जागृत, दम न छोड़े मां सुख को जाकी असल भक्त निस्मत। और मैं आशा करता हूँ अब मेरा समय समाप्त होता है, क्योंकि मैंने मर्यादा से हट करके 10 मिनट का समय ले लिया। अब चुपाई दूर है सैया हम धाम चले, जो आओ सो आयो, पीछे रहना एक खीना, हम पीठ दई संसार को, जाए सूरत लगी वताना, जाए सूरत लगी वताना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।